हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो रेसिपीज़। एक है खसखस के पकौड़े और दूसरा है कोकोनट चटनी। खसखस के पकौड़े के लिए हमें खसखस को भिगो के रखना है। मैंने करीब आधा घंटा से ऊपर भिगो के रखा था और मिक्सी में इसे पीस लिया था। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा व्हीट फ्लावर, रेड चिली पाउडर, और इसको रिफाइंड ऑयल में मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको इवनिंग स्नैक में, या आप खिचड़ी के साथ भी खा सकते हो। तो हम खाए थे इसको खिचड़ी के साथ। यहाँ पे मैं तलने लगी हूँ खसखस के पकौड़े। बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट बनते हैं ये पकौड़े। आप बनाकर देखिएगा और ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे बने हैं। अब मैं यहाँ पे बना रही कोकोनट चटनी। तो कोकोनट के स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं और ग्रीन चिलीज को काट लिया है, जिंजर भी ले लिया है और कोरिएंडर लीव्स, और इसको हमें पीस लेना है ग्राइंडर में। और मैं अब लगाने लगी हूँ तड़का। तड़का के लिए ले लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल और उसमें मैं डाल दूँगी मस्टर्ड सीड्स, करी पत्ता, अ पिंच ऑफ एस्पिटिडिया, और इसको इसके साथ मिक्स कर दूंगी मैं। नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था कोकोनट चटनी में, तो सिर्फ तड़का डालना बाकी है। तो मैं तड़का भी डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी। ये बन गई आपकी कोकोनट चटनी। तो उम्मीद करती हूँ ये दो रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल का नाम है मेरी रसोई एंड ब्लॉग्स। मेरे दूसरा चैनल भी है स्टोरी ऑफ माय लाइफ बाय बंधुन, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके वीडियोज़ भी आपको पसंद आएंगे। तो मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रखिएगा। Stay safe and be healthy. Bye bye and take care, friends. आप लोग ये बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे आप लोगों को लगे बनाने के बाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। Bye bye.